गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। देखो मैं उठ चुका हूँ, अंकित अभी सो रही थी, उसको दवाई की थोड़ी सी गहन है, अभी भी दवाई अभी चल रही है उसकी, आज ख़त्म हो जाएगी तो नई दवाई लेने जाने वाले हैं। और अभी फिलहाल उतरता हूँ नीचे, मम्मी को मिल लेता हूँ और देन मेरा एडिटिंग का काम है वो सारा निपटाता हूँ, फिर आज का दिन कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल मचामा? अरे हाँ, नहीं आज तो ठंडा खाने का पूरा दिन। यस गाइस, उसे मुझे याद आया, आज पूरा दिन हमको ठंडा खाने का है। ठंडा मतलब ऑलरेडी कल बन चुका है खाना सारा जो आज हम खाएंगे, एंड आज बिल्कुल भी गैस नहीं जलेगा घर में और गर्म खाना नहीं खाना है कहीं पे भी खाओ तो, या मजा आएगी, कभी कुछ डिफरेंट में बहुत मजा आती है। मम्मी ने तो एक्चुअली ये बोला था, बार बार बोला था, हमेशा की तरह मम्मी बोलती रहती है कि भाई देखो नहीं करना है ये वाला क्या बोलते फास्ट उपास नहीं जो भी बोलते ना क्या बोलते वो नहीं करना तो मत करना, पर मैंने बोला क्या फर्क पड़ेगा, खाना इंपॉर्टेंट है, ठंडा हो गर्म हो कुछ भी हो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला करेंगे हम ठंडा खाएंगे। फिलहाल अंकित जस्ट उठी है, कब उठी मुझे नहीं मालूम क्योंकि तो हम अभी खाएंगे खाना, मतलब मैं खाऊंगा, अंकिता चाय पिएगी और यस फिर से याद आया कि ठंडा खाना है। आलू की सब्जी तो मुझे दिख रही है, ऑब्वियसली पूरी होगी इसके साथ और यहाँ देखते हैं बड़े बड़े होंगे। एक तो अंकिता तेरे को पता है तेरी वजह से कैसे कैसे कमेंट आते हैं वीडियोस में, क्या पता है क्या? मम्मी तूने पढ़ा है कमेंट जो प्रैंक करता हूँ या फिर ब्लॉग वॉग में लेते हैं ना, ठीक है, तो ये इतना अनकम्फर्टेबल बिहेव करती है तेरे साथ के हाँ लोग ऐसा कमेंट करते हैं, हाँ लोग ऐसा कमेंट करते हैं ना, नहीं लोग क्या बोलते पता है अंकिता, लोग कमेंट क्या करते थे नहीं लोग कमेंट क्या करते पता है हाँ कि शायद इन दोनों की बनती नहीं होगी शायद, अरे ऐसा नहीं, ऐसा लोग कमेंट करते हैं कि अंकिता कंफर्टेबल नहीं लगती मम्मी के सामने या तो फिर शायद मम्मी पसंद नहीं करती, ऐसा तेरे पे भी ब्लेम आता है, ऐसे कमेंट आते बहुत सारे कमेंट, लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे बोल, जबकि नहीं आए थे कमेंट, सच बताना ऐसा है नहीं, पर ऐसा कमेंट आए थे कि नहीं आए थे, ऐसे सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने बोला जबरदस्ती लोग घर में घुस के ऐसे उल्टा सीधा देख लेते और बोल देते कुछ भी, तो काफी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, वैसे प्रैंक चैनल पे ऐसे कमेंट कर रहे थे, मैंने बोला यार क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये तो भाई, मम्मी ने तो कुछ ज्यादा ही चीजें बनाई हुई है, मैं अभी फिलहाल पूरी शाक कर रहा हूँ, मम्मी बहुत सारी चीजें देने का बात कर रही है, मैं बोल रहा हूँ ना ना अभी सिर्फ ये एक एक करके सब यही सारी चीजें तो पूरा दिन खाने, अरे खीर तो पसंद ही नहीं है मुझे, अरे मेरे को खीर नहीं अच्छी लगती, मुझे स्वीट चीजें ज्यादा नहीं पसंद, तभी फिलहाल मैं रोटी सब्जी खा लेता हूँ, मैं मतलब पूरी सब्जी सारी ना ही चाहिए मेरे को, इतने सारे तो मालपुए बना हुए हैं, इतना ले लिया ना बस, इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा माँ। तो हम लोग निकल गए बाहर, रेडी वेडी हो चुके हैं, मैंने काफी सारा एडिटिंग का काम निपटा दिया घर पे पहले, और अभी हम मतलब अंकिता के मोबाइल में कॉन्स्टेंटली चल रहा है चंद्रयान 3 के लैंडिंग का लाइव अपडेट्स, तो हम सुपर एक्साइटेड है उसके लिए एंड फिंगर क्रॉस्ड के बस हो जाए लैंडिंग, मजा आ जाए, हमारा भारत महान बहुत ज्यादा है और उससे भी बहुत हाँ। बहुत बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट आ जाएगा, हमारे इंडिया हर एक नॉलेज में बहुत ही ज्यादा रिच था, लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया, बट वापस प्रूफ हो जाएगा कि नॉलेज को कोई कुछ भी तरह से, अरे वो याद आ गया ना अपने को, मेरा भारत महान था है और रहेगा। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे ही ये हो जाता है हम बताते हैं आपको, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता चल गया होगा व्लॉग काफी लेट आ रहा है और मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि हम ऐसे धमसे से धक धक हो रहा है, अभी होगा। आप लोगों ने लाइव देखा कि नहीं ये वाला चंद्रयान 3 का लैंडिंग, मुझे कमेंट में बताना, और आपका कैसा इमोशन था इसका रिजल्ट का मुझे बताना जरूर। अभी क्या सीन हुआ देखो, एक तो हमने फुल ऑन ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, पर उसके अलावा क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को फोन किया जहाँ पे हम एक्चुअली जाने के लिए निकले हुए हैं अंकिता को दवाइयाँ लेने के लिए उसकी, पर मैंने डॉक्टर को फोन किया घर पे हो ना हमारे, बोले नहीं अभी मत आना 7 बजे के बाद आना, हम लोग अभी चंद्रयान 3 का लैंडिंग देखने के लिए बिजी है, मैं खड़ा नहीं होने वाला, मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तभी धीरे धीरे जाते हैं, मुझे ऐसे भी कुछ भूख लगी थोड़ा बहुत शायद खाऊंगा मैं रास्ते में, 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है, ठंडा खाना है सैंडविच ऐसे ही खा सकता है, कुछ खाता हूँ इन लोगों को देख के, मैं तो सोच रही हूँ अपने को यहाँ बैठ के हो रहा है, जो लोगों ने पार्ट लिया होगा उन लोगों को क्या हो रहा होगा, यार जिन लोगों ने मेहनत की है ना इतना सारा कॉन्स्टेंटली और कॉन्स्टेंटली जो हर सेकंड के लिए इस चीज पे लगे हुए हैं उनकी तो कुछ अलग ही लेवल की फीलिंग होगी, यार मैं तो खुद इतनी खुश हो रही हूँ लिटरली, वो होता है ना जैसे कि ना इंडिया की जब मैच होती है या तो फिर इंडिया की कोई भी चीज होती है ना जिसमें उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है ये चीज, जो नहीं मानता है मानता है, इस वक्त सब भगवान को याद कर रहे होंगे। हाँ अकालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि
फाइनल फेज चल रहा है, चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। कितना डिस्टेंस और हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। क्या कर रही है ऐसे दो मोमेंट पे मीटर के लाइट लैंड उल्टा सीधा कर एक जगह रख लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए होवरिंग करेगा। एंड द लैंडर मॉड्यूल हैज बिगन इट्स डिसेंट टुवर्ड्स द लैंडिंग साइट। लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। 200 मीटर पे पहुंच गए इतना जल्दी। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। हैव द लैंडर मॉड्यूल होवरिंग एट नियरली 1 फाइनल बेस पे भाई 135 मीटर की ऊंचाई पे 65 मीटर के आसपास बची हुई है। 65 मीटर करेंटली ओनली 2 इंजन्स आर नाउ बीइंग फायर्ड। 55 मीटर 52 मीटर और 50 मीटर लगभग 50 मीटर से भी 40 मीटर ऑलमोस्ट लैंड होने वाला है। 30 मीटर वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। 22 मीटर एनकरेज अस एंड 19 मीटर ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। जी हां आप के देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल लैंड हो गया। पीपल आर अप्लॉडिंग लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। नमस्कार भाई, ये देखो हमारे बेल आ गई है, बेल आ गई, बेल बेल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो हम आ चुके हैं वापस अंकिता के क्लिनिक पे। हां मतलब मैं तो डॉक्टर होती तो मेरे पास दिन में क्लाइंट ही चार आते अंकिता के क्लिनिक, मतलब अंकिता को दिखाने के लिए हर एक क्लाइंट के साथ में इतने सारे, क्योंकि मैं रिपेयर हो चुका हूँ ये अभी भी डैमेज है। इतनी सारी बातें करके चंद्रयान फाइनली सक्सेसफुली लैंड हो गया। तो अंकिता अपने सारे डैमेजेस बताते हुए कि अभी मैं इतना डिफेक्टिव हूँ पर फिर भी लास्ट टाइम कैसी लग रही थी, नहीं आई थी तब अभी आज थोड़ा तैयार होके भी आई है और फिर कल पेशेंट लग रही, लास्ट टाइम आई थी तो पेशेंट लग रही थी, आज जैसे गाड़ी को शोरूम से अभी निकाला ना वैसी लग रही है। वो कर रहा है सब, पहली बार क्या डर लग रहा है तेरे को? किया हुआ था मैं टाइम पास के लिए गया था, पर वो है ना वो सुई अचानक आती है ना तो वो नहीं कुछ नहीं पता चलता। मैंने बोला ना नहीं पता चलता। और एक्चुअली मैं 140 होना चाहिए कभी भी। हाँ। और पूरी फैमिली का मेरा ब्लड शुगर हाई रहता है और मेरा लो है। बोला कि अभी बीमार था दवाई वजह से, अभी एक वीक तक उन्होंने बोला अभी थोड़ा ले लो इनके कुछ मीठा खाते रहो, मुझे मीठा पसंद नहीं है खाना, और उन्होंने बोला एक वीक के बाद वापस चेक करना, मुझे मीठा खाना नहीं अच्छा लगता, अब उन्होंने मीठा खाओ, अब मैंने कोल्ड्रिंक भी बंद कर दिया, कोल्ड्रिंक चालू करो वापस, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दिया अभी चालू करो ना, पागल तूने बोला कोल्ड ड्रिंक अच्छा है ग्लूकोज पियो, नींबू पानी पियो, आधा निकलता। अभी अंकिता की मम्मी ने फोर्स किया है कि यहाँ पे जाके कोई साड़ी वाड़ी ले लेंगे, तो उसके लिए हम दीप कला में आए हैं। दीप कला भाई, पार्किंग में जो प्रॉब्लम पड़ी है ना ढूंढने के दिमाग खराब हो गया, कि यहाँ पे जितनी पार्किंग है ना ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे दीप कला के लिए पार्किंग नहीं है, एंड यहाँ से पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तुम दूर पाकर के फिर चल के आए। ओए कितना फर्क होता है ना कि तुम लोग जब H&M में शॉपिंग करते जब इधर करते हो। क्यों क्या फर्क? नहीं बहुत फर्क होता है तुम्हारे नजर में जिस तरह से हाथ घूमता है, जिस तरह से तुम देखते हो फटाफट इधर हो जाता है।
वहाँ पे, वहाँ पे एक ही जगह पे तुम 10 बार वापस गोल गोल घूम के घूम आते वापस। इवन साड़ी के सिलेक्शन में ज्यादा टाइम लगता है, 5-5 घंटे भी लग जाता है। वो देखो वो भी वहाँ पे साड़ियाँ देख रही है, बहुत सारी साड़ियाँ देख रही है, और मेरे को देखो चिल मार के बोर हो रहा हूँ। ओ भाई कितने सारे होंगे, तो एक हीरे अंकिता से सहन नहीं होती, इतने सारे हीरे का क्या करेगी। फाइनली अंकिता उक्का हो चुका है खत्म। मुझे लगा भाई साड़ी लेने जाएगी तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा, एकदम सस्ते में। मतलब मैं कुछ होकर मैं बोला यार मेरे शर्ट तेरी साड़ी से महंगे आते। मैंने तुम के अंदर निपटाया तुझे पता है, नहीं तो कितने की साड़ियाँ होती। छोड़ यार तेरी ओ हो मेरे बारे में सोचा इतना सारा। एनीवेज हम लोग जा रहे हैं घर, एंड बस मेरे को जाके फिर एडिटिंग वेडिटिंग करनी है, और खाना तो वही जो पूरे दिन का जो ठंडा हमको खाने का वही खाने का है, अंकिता भी वही खाने वाली है, तो जाते हैं। एंड आई फिर मेरे को आज जल्दी सो जाना, पता नहीं मुझे आके बहुत ज़्यादा जल रही है, और जब से डॉक्टर ने बोला ना शुगर वाली चीज़ सबसे मुझे ना दिमाग में ऐसा लग रहा है हाँ मेरे को वीकनेस है। पीना कुछ नहीं, नहीं ना ना ना, अभी सीधा घर जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, और डेली 9 बजे सुबह व्लॉग आते हैं तो जाके देख लिया करो, सपोर्ट करके लॉस ऑफ लव, और लेटेस्ट प्रैंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कार्ड में मिल जाएगा लिंक।